हिमाचल सुअर समझकर चलाई गोली से व्यक्ति की मौत, डर के मारे शिकारी ने खुद को भी उड़ाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर क्षेत्र में शिकारी की गोली लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद डर के मारे शिकारी ने खुद को भी गोली से उड़ा लिया। घटना सोमवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर बंदूक भी कब्जे में ले ली है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के बलहड़ी के डुंगास जंगल में बंदूक लेकर गए रामकृष्ण पुत्र स्वर्गीय सरनदास निवासी चचियोट जिला मंडी ने झाड़ियों में हरकत के बाद सुअर समझ कर गोली चला दी। इससे भीषण लाल पुत्र खेम सिंह निवासी सोमनाथ तहसील बाली की मौत हो गई है। 137 दिन बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए हिमाचल में क्या है नया रेट। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बिगड़े हालात के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। देश में 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्य शहर धर्मशाला में पहले पेट्रोल 94.88 रुपए प्रति लीटर था, अब इसका भाव 95.68 रुपए प्रति लीटर हो गया है। राजौर स्थित रिलायंस के पेट्रोल पंप में भी इतनी ही बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने जारी की अधिसूचना, हिमाचल में अब साल भर हिमकेयर कार्ड का पंजीकरण। हिमकेयर कार्ड का पंजीकरण अब पूरे साल भर, अभी इसकी अवधि जनवरी से मार्च 3 महीने थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू माना जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। हिमाचल में 2,40,000 लोगों ने हिमकेयर कार्ड बनाए हैं। इन लोगों को उपचार के लिए 218 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। हिमकेयर योजना में लोगों को हर साल अपने कार्ड रिन्यू कराने पड़ते थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसके भी 3 साल करने की घोषणा की है। हिमाचल में कांग्रेस को लगा झटका, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 23 नेता आप में शामिल हुए। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं का शामिल होने का सिलसिला तेज हो गया है। हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश के नेता आप में शामिल होने लग गए हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश शाखा का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को आप में शामिल हो गया।